हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एडल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्प्लैश स्क्रीन को क्रिएट किए थे। इस वीडियो में हम लॉगिन पेज को क्रिएट करने वाले हैं। तो लॉगिन पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक्सएमएल फाइल क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको आना होगा लेआउट में एंड एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल पे आपको क्लिक करना होगा एंड स्प्लिट जो बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है हम इसको चेंज कर देते हैं रिलेटिव लेआउट में। तो मैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना होगा। तो मैं बैकग्राउंड जो हमने स्प्लैश स्क्रीन में यूज़ किए थे वही स्प्लैश स्क्रीन को मैं जैसे के वैसे कॉपी कर देता हूँ। तो कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना होगा एंड एक्टिविटी लॉगिन डॉट एग्जाम्पल में इसको पेस्ट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लीनियर लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। विड्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा मैच पेरेंट एंड हाइट भी आपको सिलेक्ट करना होगा रैप कंटेंट। मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ लीनियर लेआउट के, आईडी @ID। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो इसलिए अच्छे से हमें टाइप करना होगा @ID एंड यहाँ से हम दे देंगे लॉगिन टॉप हेडर, इसका नेम दे देंगे हम। इसके बाद आपको यहाँ से एंटर करना होगा एंड इसको तो हम पहले सेंटर में लेके जाएंगे इसलिए हम टाइप करेंगे ग्रेविटी सेंटर। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल दे देंगे हम ओरिएंटेशन। ओके, इसके बाद अगेन आपको एंटर करना होगा एंड इस लीनियर लेआउट को आपको क्लोज करना होगा। जो यहाँ पे ओरिएंटेशन है ये यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर दिए क्योंकि हमें एक इमेज व्यू एंड एक टेक्स्ट व्यू यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप यहाँ से इमेज व्यू को ले लेता हूँ एंड इसकी विड्थ एंड हाइट हम 100 dp डिफाइन कर देंगे। एंड यहाँ से बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ लोगो @Rubble logo। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है लोगो एंड यहाँ से आपको एंटर करना होगा एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारा इमेज व्यू का वर्क हो चुका है। इसके नीचे हम टेक्स्ट व्यू को भी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसके बाजू में एक टेक्स्ट व्यू चाहिए एंड इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखी थी इसलिए खुद ब खुद टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो हम टेक्स्ट व्यू विड्थ डिफाइन कर देते हैं रैप कंटेंट एंड हाइट भी हम डिफाइन करेंगे रैप कंटेंट। मैं फॉन्ट फैमिली यूज कर लेता हूँ यहाँ से। फॉन्ट फैमिली आपको सैंस सेरिफ थीन जो नीचे आपको शो रही है इसको ही सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो अभी मैं टेक्स्ट दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे टाइप करके क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है हमारा टेक्स्ट। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे लॉग इन ऐप, जो भी आपका ऐप का नेम यहाँ पे टाइप कर सकते हो या फिर जो भी आपको बेटर लगे आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो रहा है लॉग इन ऐप। तो मैं यहाँ से अभी टेक्स्ट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी आपको बेटर लगे, टेक्स्ट कलर @TextColor जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था। ओके, एंड टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है इसलिए टेक्स्ट साइज हम दे देंगे 35 SP। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज शो हो रहा है। तो अभी मैं टेक्स्ट व्यू को क्लोज कर देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना होगा, अगेन एक इमेज व्यू इम्प्लीमेंट करना होगा इसके नीचे। तो मैं आ जाता हूँ लीनियर लेआउट के नीचे। तो मैं इमेज व्यू टाइप कर देता हूँ यहाँ पे इमेज व्यू। विड्थ हम दे देंगे मैच पेरेंट एंड हाइट भी हम दे देंगे रैप कंटेंट। सबसे पहले तो आपको इमेज व्यू को आईडी डिफाइन करनी होगी, आईडी @ID इमेज बॉटम, इसकी मैं आईडी दे देता हूँ। इसके बाद आपको लेआउट बिलो करना है, किसके नीचे रहेगी ये, तो लेआउट बिलो रहेगी। 2 मिनट में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, हमारी रहेगी इस लीनियर लेआउट के नीचे। तो लीनियर लेआउट की हमने क्या आईडी डिफाइन की थी, टॉप हेडर टॉप हेडर आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है, लॉगिन टॉप हेडर। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज हुई है लीनियर लेआउट के नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से हमें बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना होगा जो भी हमें इमेज व्यू इम्प्लीमेंट करनी है यहाँ पे। तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये इमेज व्यू प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं इसको अभी तो कॉपी कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। ड्रॉबल Ctrl V करना है यहाँ पे एंड ओके पे क्लिक करना है। नियम आपको सेम रखना है, ओके पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुकी है एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हमारी इमेज रहेगी बैकग्राउंड बॉटम। तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से हमारी इमेज व्यू शो हो रही है। अभी हमें इसको क्लोज कर देना है क्योंकि हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है इमेज व्यू का भी
अभी हम क्या करेंगे, एक लीनियर लेआउट लेंगे जिसमें हम वेलकम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड का टेक्स्ट भी इम्प्लीमेंट करेंगे, दो बटन। ओके, तो हम आ जाते हैं इमेज व्यू के नीचे एंड यहाँ पे एक अच्छी सी लीनियर लेआउट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से आपको विड्थ एंड हाइट रैप कंटेंट दे देनी है। तो हमने लीनियर लेआउट की विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर दी है। अभी हमें क्या करना है, ये लेआउट बिलो सिलेक्ट करना है, ये लीनियर लेआउट किसके नीचे चाहिए, तो हम लेआउट बिलो सिलेक्ट करेंगे इमेज व्यू के नीचे। तो हमने इमेज व्यू की क्या आईडी डिफाइन की थी, इमेज बॉटम, तो वही आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं इमेज बॉटम एंड यहाँ से आपको एंटर करना है एंड ओरिएंटेशन आपको क्या सिलेक्ट करना है, वर्टिकल एंड विजिबिलिटी आपको सिलेक्ट करनी है विजिबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट को कम्प्लीटली क्रिएट कर दिया। अभी लीनियर लेआउट को मैं क्लोज कर देता हूँ एंड इसके अंदर हम दो टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट कर देता हूँ। विड्थ आपको रैप कंटेंट देनी है एंड हाइट भी आपको रैप कंटेंट देनी है। ओके, इसके बाद आपको मार्जिन स्टार्ट, तो मार्जिन स्टार्ट आपको 10 dpi देनी है क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट व्यू रहेगा वो 10 dpi के स्टार्टिंग में रहेगा। ओके, एंड यहाँ से मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। मार्जिन टॉप इसलिए देते हैं हम क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट व्यू रहेगा इसके थोड़ा डिफरेंस रहना चाहिए। ओके, एंड इसके बाद हम टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे। यहाँ से टेक्स्ट आपको क्या टाइप करना है, वेलकम, तो मैं यहाँ से वेलकम दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है बट यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं टेक्स्ट कलर सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ @ टेक्स्ट कलर एंड इसके बाद हम टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 40 sp। तो आप देख सकते हो वेलकम अभी अच्छे से शो हो रहा है एंड इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, टेक्सटाइल बोल्ड। तो देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली टेक्स्ट भी अच्छे से शो हो रहा है। इसके नीचे अगेन हम एक टेक्स्ट भी इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें लेट्स गेट स्टार्टेड का यूज करेंगे एंड ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल चूज की है इसलिए इसके नीचे खुद ब खुद टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट व्यू एंड विड्थ हम रैप कंटेंट दे देंगे, जो ऊपर में जैसे हमने टेक्स्ट को यूज किए थे वही टेक्स्ट रैप कंटेंट एंड यहाँ से आपको क्या करना है, मार्जिन स्टार्ट जो हमने ऊपर में दिए थे लेआउट मार्जिन स्टार्ट वही हम यूज करेंगे 10 dpi एंड टेक्स्ट में आपको क्या टाइप करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है। सेम हमने जो टेक्स्ट कलर एंड टेक्स्ट साइज यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे वही आपको यूज करना है वहाँ पे, तो मैं जैसे कि वैसे यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, आप टाइप भी कर सकते हो एंड टेक्स्ट साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं 20 sp कर देता हूँ। तो अभी अच्छे से शो हो रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड का। ओके, तो अभी क्या करना है, इस लीनियर लेआउट को आपको क्लोज कर देना है। तो जो भी हम टाइप करेंगे इस लीनियर लेआउट के नीचे टाइप करेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या करना होगा, एक लॉगिन पेज का जो ईमेल एंड पासवर्ड होता है वही यहाँ पे एडेड टेक्स्ट यूज करना होगा, बट हमारा फॉन्ट अच्छे से होना चाहिए इसलिए हम क्या करेंगे, एक डिपेंडेंसी को पेस्ट करेंगे। तो वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिपेंडेंसी दे दूंगा, वहां से आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। तो मैं इस डिपेंडेंसी को भी फिलहाल कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ, ग्रेडल स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ, build.gradle में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड इसके बाद अगेन आपको इसमें आना है एंड ये डिपेंडेंसी जो दिखाई दे रही है इसको आपको जैसे के वैसे Ctrl+C से कॉपी करना है, प्रोजेक्ट में आ जाना है एंड इसके बाद ये जो setting.gradle है यहाँ पे इसके नीचे आपको आ जाना है, अगेन यहाँ पे एंटर करते जाना है एंड यहाँ पे जो हमने कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है जो भी हमारा डिपेंडेंसी का था। अभी हमें इंटरनेट को ऑन करना होगा क्योंकि ये जो सिंक नाउ प्रोसेस है इसको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं जल्दी से इंटरनेट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इंटरनेट को अभी कनेक्ट कर दिया है, तो अभी मैं सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, तो हमें वेट करना होगा अगेन ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है। अभी मैं इंटरनेट को डिसकनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि हमें इंटरनेट का कोई भी वर्क नहीं है। एंड अभी आपको क्या करना है, एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल में आ जाना है, क्योंकि अभी हमारा जो भी डिपेंडेंसी था वो कम्प्लीटली पेस्ट हो चुका है। तो मैं लिनियर लेआउट के नीचे आ जाता हूँ एंड हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कार्ड व्यू। तो मैं यहाँ से कार्ड व्यू को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कार्ड व्यू, सॉरी यहाँ से कार्ड व्यू, नॉर्मल कार्ड व्यू सिलेक्ट नहीं करना है। तो हमें जो डिपेंडेंसी यूज़ की है, हमने आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमने डिपेंडेंसी यूज़ की है न्यू मॉर्फिज्म, वही हमें कार्ड व्यू का यूज़ करना होगा यहाँ पे। तो हमें लिनियर लेआउट के नीचे नहीं आना है क्योंकि इसके नीचे ही हमारा जो भी रहेगा एडिट टेक्स्ट रहेगा। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू के नीचे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एरर शो हो रहा है, जो भी टेक्स्ट व्यू इसको क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कार्ड व्यू को सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड कार्ड व्यू हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, तो नॉर्मल सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये जो आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है कार्ड व्यू, इसको ही आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ से आपको विड्थ एंड हाइट आपको मैच पैरेंट दे देनी है। तो मैं हाइट रैप कंटेंट दे देता हूँ, मैच पैरेंट आपको नहीं देनी है। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड मार्जिन हॉरिजेंटल आपको यूज करनी है। तो लेआउट मार्जिन हॉरिजेंटल कितना यूज करेंगे हम, 10 dB। यानी मार्जिन टॉप हमें, क्योंकि टेक्स्ट व्यू के नीचे चाहिए, तो मार्जिन टॉप हम मिनिमम 10 dB। शेप टाइप यहाँ से आपको प्रेस को सिलेक्ट कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा हो चुका है वर्क जो भी कार्ड व्यू का था। अभी हमें इस कार्ड व्यू में एडिट टेक्स्ट को स्किल सिलेक्ट करना होगा। तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट को, मैच पैरेंट, हाइट आपको दे देनी है रैप कंटेंट एंड यहाँ से आपको आईडी दे देनी है, ID@ID, ईमेल। इसके बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड को चूज कर लेता हूँ, @Android, कलर ट्रांसपेरेंट। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एडिट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, हिंट प्रोवाइड कर देनी है। तो मैं हिंट प्रोवाइड कर देता हूँ, @Hint, ईमेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल शो हो रहा है एंड इसके बाद हम इमेज ऑप्शन भी सिलेक्ट कर देते हैं। तो इमेज ऑप्शन आपको क्या सिलेक्ट करना है, एक्शन टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्शन नेक्स्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड इनपुट टाइप भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी हमारा टेक्स्ट ईमेल एड्रेस होता है, जैसे कि कोई एडिट टेक्स्ट में ऑलरेडी डिफाइन होता है ईमेल एड्रेस की जगह। ओके, तो वही हमने इनपुट टाइप यूज कर दिए। यहाँ से मैं पैडिंग को भी डिफाइन करना होगा, तो मैं पैडिंग दे देता हूँ 15 dp एंड इसके बाद इस कार्ड व्यू को क्लोज कर देना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली ईमेल का वर्क तो हो चुका है, बट यहाँ पे ईमेल अच्छे से शो नहीं हो रहा है। तो इसको कम्प्लीटली यहाँ तक शो करने के लिए आपको स्क्रोल करना होगा एंड ये जो टॉप में हमने लीनियर लेआउट यूज़ किए, यहाँ पे हमें जो विड्थ है वो पूरी मैच पैरेंट दे देनी है। तो आप देख सकते हो जैसे हमने मैच पैरेंट दे दिया है, तो यहाँ पे ईमेल सक्सेसफुली अच्छे से शो हो रही है। तो मैं इसको स्क्रोल कर देता हूँ एंड इसके नीचे मैं आ जाता हूँ एंड जो हमने ईमेल के लिए कार्ड व्यू सिलेक्ट किया था, वही सेम हमें पासवर्ड के लिए सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ कार्ड व्यू एंड ये जो थर्ड में है इसी को आपको सिलेक्ट करना होगा। विड्थ आपको सेम मैच पैरेंट दे देनी है एंड हाइट भी आपको रैप कंटेंट दे देनी है। यहाँ से मैं इसको स्टाइल सिलेक्ट कर देता हूँ। तो स्टाइल आपको क्या सिलेक्ट करनी है, जो हमने कार्ड व्यू यूज किया है, विजिट न्यू मॉर्फ कार्ड व्यू, तो इसको आप कॉपी करना होगा एंड ये जो स्टाइल है यहाँ पे भी हम इस स्टाइल को पेस्ट कर देते हैं, जो कि हमने ईमेल के कार्ड व्यू को क्रिएट किया था। ओके, एंड इसको आपको स्क्रॉल करना होगा एंड इसके नीचे आ जाना आपको रैप कंटेंट के नीचे। अभी हमें क्या करना है, लेआउट मार्जिन हॉरिजेंटल यूज करना है। तो मैं दे देता हूँ यहाँ से,
लेआउट मार्जिन हॉरिजॉन्टल 10 dp एंड यहाँ पे मार्जिन टॉप आपको थोड़ी चेंज करनी होगी 5 dp एंड हम सेव टाइप जो ऊपर में टाइप किए थे हमने प्रेस वही आपको सिलेक्ट करनी है एंड इसको एंटर कर देना है ओके। एंड जैसे हमने यहाँ पे एडिट टेक्स यूज किया था वही सेम हमें यहाँ पर करना होगा, एडिट टेक्स का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडिट टेक्स। तो यहाँ से आपको विड्थ एंड हाइट आप भी प्रोवाइड कर देने हैं, बट यहाँ पे जो हमने एडिट टेक्स यूज किया है ये नॉर्मल यूज किया है। जब हम पासवर्ड लेते हैं किसी भी यूजर से तो हम एडिट टेक्स्ट नॉर्मल वाला यूज नहीं कर सकते हैं, एक डिफाइन होता है जो कि टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट होता है उसी को ही हमें एंटर करना होता है ओके। तो मैं यहाँ से विड्थ दे देता हूँ मैच पैरेंट एंड हाइट प्रोवाइड कर देंगे रैप कंटेंट एंड हम आईडी डिफाइन कर देंगे id@id पासवर्ड। इसके बाद आपको एंटर करना है अगेन एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड भी सिलेक्ट करना होगा जो कि हमने टॉप एडिट टेक्स्ट में यूज किया था @android कलर ट्रांसपेरेंट। इसके बाद अगेन आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको बैकग्राउंड राइट सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ बैकग्राउंड राइट क्यों हमें सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि जो पासवर्ड होता है यहाँ पे एक ड्रॉबल होता है मीन्स विजिबिलिटी ऑफ एंड ऑन का, वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ओके। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ ड्रॉबल राइट। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो इमेजेस है तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ, ड्रॉबल में इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से एंड ओके बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ ओके। एंड ये जो ड्रॉबल राइट है यहाँ से आपको डिफाइन कर देनी है @drawable एंड यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है जो हमने अभी अभी पेस्ट किया IZ विजिबिलिटी ऑफ ओके। तो अभी हम हिंट प्रोवाइड कर देते हैं हिंट एंड यहाँ से आपको हिंट में प्रोवाइड कर देना है पासवर्ड, अगेन आपको एंटर करना होगा एंड यहाँ से इनपुट टाइप को भी टाइप करना होगा। तो इनपुट टाइप हम टेक्स्ट पासवर्ड सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें यूजर से पासवर्ड लेना है ओके। एंड कोई भी यूजर पासवर्ड को कॉपी नहीं कर सके इसलिए हम क्या करेंगे लॉन्ग क्लिकेबल फॉल्स यूज कर लेंगे। एंड पैडिंग आपको क्या यूज करना है 15 dp। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली ईमेल एंड पासवर्ड दोनों को भी इम्प्लीमेंट कर दिया ओके। तो अभी हमें जाना है नेक्स्ट स्टेप में, मीन्स हमें बटन इम्प्लीमेंट करना होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि हमें ईमेल एंड पासवर्ड का तो वर्क हो चुका है जो भी एडिट टेक्स्ट होते हैं, अभी हमें एक बटन यूज करना होगा लॉगिन के नेम से। तो मैं आ जाता हूँ इसके नीचे कार्ड व्यू के नीचे एंड यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा लॉगिन बटन, सॉरी बटन ही हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे काफी सारे बटन आपको शो रही होगी तो इसमें से आपको यही सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे हमने कार्ड व्यू यहाँ पे सिलेक्ट किया था न्यू मॉर्फिज्म का, वही हमें इसको बटन के लिए भी सेम सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से विड्थ दे देता हूँ 250 dp एंड हाइट आपको दे देना है रैप कंटेंट। इसकी आईडी भी मैं डिफाइन कर देता हूँ id@id लॉगिन बटन। ये होने के बाद आपको ग्रेविटी भी सिलेक्ट करना होगा, तो मैं ग्रेविटी सिलेक्ट कर देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल एंड मार्जिन टॉप आपको सिलेक्ट करना होगा 10 dp एंड यहां से आपको टेक्स्ट दे देनी है लॉगिन। तो अभी मैं दे देता हूँ टेक्स्ट ऑल कैप्स, फॉल्स हमें प्रोवाइड करना है क्योंकि हमें सिर्फ लॉगिन अच्छे से शो कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन खुद ब खुद आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर देना है, टेक्स्ट कलर @ टेक्स्ट कलर ओके। एंड इसके बाद हमें लास्ट टेक्स्ट साइज सिलेक्ट करनी है 16 sp एंड शेप टाइप हम जैसे ऊपर में फ्लैट यूज किए थे वही शेप टाइप हमें यूज करना होगा फ्लैट
एंड इसके क्लोज कर देना। बट यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने एक चीज की नहीं है यहाँ पे, स्टाइल। हमें स्टाइल कौन सी सिलेक्ट करनी है, जो हमने ऊपर में कार्ड व्यू सिलेक्ट किया था, बट ये बटन है इसलिए हमें इस स्टाइल को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो यार लॉग इन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट तो हो चुका है बटन, बट यहाँ पे सेंटर में नहीं है जो लॉग इन टेक्स्ट है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हमने ग्रेविटी क्या किया है, सेंटर हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया है, बट हमें ग्रेविटी नहीं सिलेक्ट करनी है, लेआउट ग्रेविटी हमें सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे लेआउट ग्रेविटी को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड ये जो ग्रेविटी है इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो आप देख सकते हो अभी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, तो अभी हमें एक यूज करना होगा दो टेक्स्ट व्यू यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे साइन अप का पेज का साइन होता है, जैसे कहाँ पे भी ईमेल पे जाओगे ईमेल पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलता है। अगर किसी भी यूजर का ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो एक साइन अप का यहाँ ऑप्शन होता है, तो वही हमें टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना होगा। तो इस टेक्स्ट व्यू को क्रिएट करने के लिए हम लीनियर लेआउट का यूज करेंगे। तो हमें आ जाना है इस टेक्स्ट व्यू के नीचे, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लीनियर लेआउट एंड यहाँ से मैं विड्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ मैच पेरेंट एंड हाइट दे देता हूँ रैप कंटेंट। यहाँ से अगेन आपको एंटर करना है, यहाँ से आपको मार्जिन टॉप दे देनी है 15 dp एंड यहाँ से आपको ग्रेविटी सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से दे देता हूँ ग्रेविटी आपको सिलेक्ट करनी है, ना कि लेआउट ग्रेविटी। एंड यहाँ से आपको ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन हमने क्यों हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमें ये जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पे इसके साइड में एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। ओके, तो इसलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट कर दिया। तो मैं लीनियर लेआउट की आईडी भी डिफाइन कर देता हूँ, @id लॉग इन बटन साइन अप। ओके, तो हमने इसकी आईडी भी डिफाइन कर दी है। अभी हमें यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट करना होगा, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट व्यू सिलेक्ट कर देता हूँ। इसकी विड्थ हम दे देंगे रैप कंटेंट एंड हाइट हम दे देंगे रैप कंटेंट एंड यहाँ से हम टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे डोंट हैव एन अकाउंट के नेम से। इसके बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट कलर भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से शो नहीं हो रहा है टेक्स्ट कलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से शो हो रहा है। तो इस टेक्स्ट व्यू का हमारा वर्क हो चुका है, तो इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अगेन हमें एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करनी होगी इसके बाजू में साइन अप के नेम से, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू। विड्थ आपको प्रोवाइड कर देने हैं रैप कंटेंट एंड हाइट आपको प्रोवाइड कर देने हैं रैप कंटेंट एंड यहाँ से आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर देना है साइन अप। ओके, एंड यहाँ से आपको सेम टेक्स्ट कलर प्रोवाइड कर देना है, जैसे ऊपर में हमने टेक्स्ट कलर प्रोवाइड किया था वही सेम हमें करना है @TextColor। एंड इसकी टेक्स्ट व्यू की हम आईडी डिफाइन कर देंगे, क्योंकि इस पर कोई क्लिक करेगा तो वो साइनअप के पेज में जाना चाहिए, इसलिए हम आईडी डिफाइन करना जरूरी है। @ID क्रिएट टेक्स्ट वन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू को डिफाइन कर दिया। अभी हमें क्या करना है, एक लीनियर लेआउट यूज करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार शो होना चाहिए जैसे कोई लॉग इन पे क्लिक कर देता है। ओके, तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार शो होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रोल करते इसको, हमने टेक्स्ट व्यू को क्लोज नहीं किया इसलिए इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी हमें इस लीनियर लेआउट के नीचे आना है। ओके, तो इस लीनियर लेआउट के नीचे आ जाता हूँ मैं एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार हम डायरेक्ट टाइप नहीं करेंगे, लीनियर लेआउट को क्रिएट करेंगे जिसमें हम प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज कर दिया है। विड्थ हम यहाँ से दे देंगे मैच करेंट एंड हाइट आपको दे देनी है रैप कंटेंट। इसके बाद आपको एंटर करना होगा, यहाँ से आपको मार्जिन टॉप दे देनी है 85 dp। ओके, तो 85 dp ज्यादा हो चुका है, सॉरी, यहाँ पे हमने 5 dp सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मार्जिन टॉप 5 dp, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस रहना चाहिए हमारा 5 dp। ग्रेविटी हम दे देंगे, तो आपको ग्रेविटी सिलेक्ट करना है ना कि लेआउट ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी हमने दे दी है सेंटर।
एंड ओरिएंटेशन हमें क्या प्रोवाइड करना होगा, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन। आप वर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि हमें एक ही प्रोग्रेस बार को क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल एंड इसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ प्रोग्रेस बार को। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रोग्रेस बार एंड यहाँ से हमें विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर देने, रैप कंटेंट रैप कंटेंट। मैं आईडी डिफाइन कर देता हूँ प्रोग्रेस बार के सबसे पहले। तो आपको आप यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे आईडी डिफाइन एंड यहाँ पे आईडी डिफाइन कर देंगे एट द रेट आईडी प्रोग्रेस बार एंड यहाँ से आपको स्टाइल भी सिलेक्ट करनी होगी। तो स्टाइल में हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे स्टाइल क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड करना है आपको एंड यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको प्रोग्रेस बार स्टाइल बार स्टाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है प्रोग्रेस बार स्टाइल। तो जैसे हमने स्टाइल को सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे शो हो रहा है ओके। बट यहाँ पे हमें एक स्टाइल डिफरेंट सिलेक्ट करना था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद एक एंड्रॉइड करके होता है, तो मैं इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एंड्रॉइड स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क इंप्लीमेंट कर देंगे एट्रीब्यूट, यहाँ से आपको जो नेक्स्ट शे में दिखाई दे रहा है एट्रीब्यूट प्रोग्रेस बार स्टाइल वही आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो अगेन यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ चुका है। तो अभी हम इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल कर देते हैं ओके, क्योंकि जब लॉगिन पे शो होता है तब ये तो इनविजिबल ही होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल। तो आप देख सकते हो अभी मैंने इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल कर दी है, अभी हमारा कम्प्लीटली इसका वर्क हो चुका है। तो मैं इसको प्रोग्रेस बार को क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो भी हमारा लॉगिन पेज का एक्सएमएल का पार्ट था वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ पे हमने एक लेनियर लेआउट क्रिएट की जहाँ पे हमने इमेज व्यू एंड टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट किया था एंड इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल इम्प्लीमेंट की थी। इसके नीचे अगेन हमने एक इमेज व्यू को सिलेक्ट किए थे जहाँ से हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किए थे ओके एंड एक पूरी इसके लिए एक लीनियर लेआउट लिए थे जिसके हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल सिलेक्ट की, जिसमें हमने टेक्स्ट इम्प्लीमेंट किया एंड सेम हमने यहाँ पे एक कार्ड व्यू लिया जिसमें एडिट टेक्स्ट लिया ओके एंड यहाँ पे भी एक कार्ड व्यू लिया जिसमें टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट लिया क्योंकि हमें पासवर्ड के लिए यूज करना होता है। एंड ये जो साइड में है यहाँ पे हमने एक ड्रॉबल राइट के नेम से एक क्या लिए थे, हमने आइकन सिलेक्ट किए थे ओके एंड यहाँ पे हमने लॉग इन बटन क्रिएट किए थे एंड इसके नीचे हमने लीनियर लेआउट लिए एंड दो टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट किए, अगेन हमने एक लीनियर लेआउट लिए एंड यहाँ पे प्रोग्रेस बार को इम्प्लीमेंट किए ओके। तो आई होप अभी आपको कम्प्लीटली एक्टिविटी लॉगिन डॉट एक्सएमएल का पार्ट समझ में आओगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका जावा पार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मीन्स यहाँ पे अगर कोई साइनअप पे क्लिक करेगा तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे साइनअप के पेज में, तो वही हम देखेंगे एंड इसका लॉगिन का कोड देखने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।